वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है अनीमिया होने पर शरीर क्या संकेत देता है और उसके कारण क्या होते हैं और तरीके क्या होते हैं उसके बचाव के लिए। सो वीडियो को पूरा देखिए विद ए कॉन्सेंट्रेशन। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अनीमिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। अनीमिया को इसमें लैक ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। जब शरीर में RBC रेड ब्लड सेल की मात्रा कम होती है तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी घटने लगता है, कम होने लगता है और नया खून बनने वाला जो सेल होते हैं वो नया खून बन ही नहीं सकता, वो मुश्किल हो जाता है नया खून निकलने, इसी के कारण अनीमिया हो सकता है। इस तरह शरीर में खून की कमी हो जाती है और इसे अनीमिया किया जाता है। लगभग एक तिहाई लोगों में खून की कमी है। अनीमिया का शिकार ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। अनीमिया के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एक मेन कारण है अनीमिया का, और सिकल सेल अनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया, थैलेसीमिया और अल्पाशिक अनीमिया। अनीमिया के बहुत सारे लक्षण और संकेत हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है जब अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, और जल्दी थकान होती है जिस व्यक्ति को अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, और जो हमारी स्किन होती है उस पर पीला रंग होने लगता है, पीला पड़ने लग जाती है और हड्डियों और जोड़ों में भी दर्द रहने लग जाता है। जो हमारे दिल की हार्ट बीट है उस पर भी इसका असर होता है, वो भी अनियमित हो जाती है, कभी बढ़ जाती है या कभी कम हो जाती है। अनीमिया के दोस्तों बहुत सारे कारण हैं, जैसे अनीमिया ज़्यादातर मामलों में जेनेटिक वजहों से भी होता है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी या परिवार में जो बड़ों के था सो अगली पीढ़ी में जीन के जरिए ये हो जाता है। अनीमिया की मुख्य वजह शरीर में रेड ब्लड सेल जो सेल्स होते हैं उसका निर्माण जो नहीं हो पाता, ये इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर करता है। इम्यूनिटी है जो बहुत सारी कमज़ोर हो जाती है, इसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया का कारण आयरन की कमी होती है। अगर आपके शरीर में आयरन की पूर्ति नहीं हो पा रही, या आप ऐसा फूड खा रहे हो जिसमें आयरन की बहुत कमी है, जैसे पालक हो गई या ऐसे बहुत सारे फूड हैं, और अगर आप न्यूट्रिशन फूड नहीं ले रहे, बाहर का भोजन ले रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, तो अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे वजह है और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सो फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए और न्यूट्रिशन को जानना चाहिए और ऐसे फूड खाना चाहिए। अगर किसी चोट या आदि की वजह से शरीर में लॉस हो जाता है तो अनीमिया की कमी या खून की कमी होती है, उसे भी यही प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसके बहुत से तरीके से बचा जा सकता है। अनीमिया के प्रकारों के हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। अगर समय पर अपनी डाइट में बदलाव कर लिया जाए तो अनीमिया के खतरों से बचा जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात है, अपनी डाइट से ही हम अपना इलाज कर सकते हैं। अनीमिया दूर करने के लिए डाइट में आयरन से भरपूर चीज़ों खाने चाहिए। अपनी डाइट में हमें सेब, एप्पल और अनार, चुकंदर, हरी सब्जियां, बीन्स, दालें और ड्राई फ्रूट्स जैसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। आयरन की कमी पूरी की जा सकती है। और अनीमिया का कारण विटामिन B12 की कमी भी है। हरी सब्जियों, चिया सीड्स, मटर, मूंगफली और चावल जैसी चीज़ों में विटामिन B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। अनीमिया के लक्षण दिखाई देने पर समय पर डॉक्टर के सलाह लेनी चाहिए और इस तरह समय रहते हम इसका इलाज कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरह हम अनीमिया से बच सकते हैं। हमेशा अच्छा फूड खाइए और अच्छी डाइट लीजिए, नियमित प्रैक्टिस कीजिए, इससे हम जो बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकते हैं और अनीमिया से तो बच ही सकते हैं। सो वीडियो हमारी कैसी लगी, तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।